नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज वर्मा और स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मेघराज के रामबाग टोटके में। मित्रों, कई बार ऐसा देखा गया है कि कईयों के घरों में कई प्रकार के पक्षी जो है वो घोंसला बनाता है। और मित्रों, एक बात बता दूं कि किसी किसी व्यक्ति को इस प्रकार से पक्षियों का घोंसला बनाना अच्छा लगता है, लेकिन कई व्यक्तियों को पक्षियों का इस प्रकार से घोंसला बनाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वास्तु शास्त्रों में मित्रों, बहुत सारे ऐसे पक्षी है जिसके द्वारा घरों में घोंसला बनाना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन इसी वास्तु शास्त्र के अनुसार कई ऐसे पक्षी हैं जिस पक्षी का हमारे घर में अगर घोंसला बनता है तो वो हमारे परिवारों के लिए, हमारे घरों के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है। तो मित्रों, कौन सा है वो पक्षी जिसके द्वारा घोंसला बनाए जाने पर हमारे घरों में सुख शांति आता है, पैसों की कमी दूर हो जाता है, जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाता है, लेकिन कौन सा है वो पक्षी जिसके घर में आते ही या उसके द्वारा घोंसला बनाते ही हमारे घरों में दुखों का पहाड़ आके टूट पड़ता है, शांति जो है, सुख शांति जो है वो छीन जाता है। ये सारी बातें मित्रों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तो मित्रों, वो सारी जानकारियां जानने के लिए मेरे इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे द्वारा बताए हुए टोटके अगर आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो मेरे इस टोटके को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग ऐसे ही मेरे नई नई जानकारियां, नई नई टोटकों से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे दबाकर आल वाले ऑप्शन को जरूर दबाइए। मित्रों, अगर आपके घरों में किसी प्रकार से मधुमक्खी या दतैया छत्ता बना रहा हो या बना लिया हो तो मित्रों, बिना देरी किए उसके छत्ते को अपने घर से बाहर निकाल दें। ये बहुत ही अशुभ माना गया है। मित्रों, इस प्रकार से अगर वो छत्ता बनाता है तो निश्चित रूप से वास्तु शास्त्र के अनुसार निकटतम भविष्य में आपके परिवार के ऊपर किसी न किसी प्रकार का आपको दुर्घटना अवश्य होगा, इस या फिर दुर्घटना होने के चांसेस जो है बहुत अधिक हो जाएगा। मित्रों, इसी प्रकार अगर चमगादड़ आपके घर में घोंसला बनाता है या रहने की कोशिश करता है तो आप तुरंत उसे हटा दीजिए बिना देरी किए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार इन्हें भी अशुभ माना गया है। जी हां मित्रों, और अगर गौरैया पक्षी आपके घर में घोंसला बनाता है तो मित्रों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, यह बहुत ही शुभ संकेत है, बहुत ही शुभ माना गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार। अगर गौरैया पक्षी घर में घोंसला बनाता है तो वास्तु शास्त्र के अनुसार मित्रों, निकटतम भविष्य क्या, हमेशा हमेशा के लिए आपके घरों में सुख शांति आने वाली है, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद आपके परिवार पर होने वाला है, ये बहुत ही शुभ माना गया है। मित्रों, ठीक उसी प्रकार मित्रों, अगर कबूतर घर में घोंसला बनाता है तो भी ये बहुत शुभ माना गया है। जी हां मित्रों, तो ये वो पक्षियां हैं जिनके घरों में घोंसला बनाने से सुख शांति आता है, आपसी प्रेम संबंध मधुर जो है वो हमेशा के लिए बना रहता है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों, ये जानकारियां आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा मित्रों तो अपने साथियों को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। तब तक लिए मित्रों, आप लोग जहां भी रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप पर सफाई रखिए और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।